Welcome to yet another episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi addressed the nation from the ramparts of Red Fort to commemorate the 70th year of independence. Prime Minister Modi hoisted the flag at the Red Fort post. Slamming recent terror attacks in Jammu and Kashmir, Modi said India would never bow down to terrorism. Aaj mujhe santosh ke saath kehna hai ki aaj ye kaam kareeb 50,000 kilometer humne pahunchaya hai. Ye gati badhane ka kaam kiya hai. Agar pichle 10 saal ka rail line commissioning ki baat kare, aur commissioning ka matlab hota hai ट्रेन चलने योग्य हो जाना, सारे ट्रायल पूरे हो जाना. पहले 10 साल में 1500 किलोमीटर का हिसाब था और आज मुझे 2 साल में 3500 किलोमीटर का काम करने में हम सफल हुए. ये गति को हम आगे बढ़ा रहे हैं. भाइयों बहनों, आज आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो भी लीकेजेस उसको रोक करके काम करने पर हम बल दे रहे हैं. पहले की सरकार में सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने में करीब 4 करोड़ लोगों को जोड़ा पाया था. आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि 4 करोड़ पर काम वहां हुआ था, आज हमने 70 करोड़ नागरिकों को आधार और सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम पूरा कर दिया है और जो बाकी हैं उनको भी पूरा करने का काम चल रहा है. हमारे यहां मध्यम वर्ग का मानवी हो, सामान्य मानवी हो, उसको आज जैसे कार घर में हो उसको प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है. एक वक्त था कि घर में गैस का चूल्हा हो तो उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक समाज में स्टेटस के रूप में माना जाता था. देश आजाद होने के 60 साल के दरमियान ये रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था. भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए. कहां 60 साल के 14 करोड़ और कहां 60 सप्ताह के 4 करोड़. ये गति है जो सामान्य मानव की जिंदगी में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आज बदलाव लाने के लिए संभव हुआ है. हमने कानूनों की जंजालों की सफाई का भी काम आरंभ किया है. कानूनों का बोझ सरकार को भी, न्यायपालिका के लिए भी और नागरिक के लिए भी उलझने पैदा करता रहता है. हमने खोजबीन करके करीब 1700 ऐसे कानून निकाले हैं. 1250 करीब ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा उसको निरस्त कर दिए हैं और बाकियों को भी निरस्त करने की दिशा में जाकर के उस सफाई अभियान को भी हम चलाना चाहते हैं. भाइयों बहनों, कभी कभी देश में एक स्वभाव बन गया था कि ये काम तो हो सकता है, ये काम तो नहीं हो सकता है, भाई अभी तो नहीं होगा, कभी होगा तो पता नहीं. निराशा ये हमारा मिजाज बनता जा रहा था. इसको ब्रेक थ्रू करना, शासन में ऊर्जा भरना, और जब कोई सिद्धि दिखती है तो उत्साह भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है, संकल्प भी बड़ा शार्प हो जाता है और परिणाम भी निकट नजर आने लग जाते हैं. भाइयों बहनों, हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक प्रकार से असंभव काम था, इतने सालों से बैंक थी, सरकारें थी, राष्ट्रीयकरण हो चुका था, लेकिन सामान्य व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाता था. भाइयों बहनों, 21 करोड़ परिवारों को, 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ. और यह संभव
ये सरकार के खजाने में सरकार की क्रेडिट का विषय नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और इसलिए मैं इस काम को करने के लिए मेरे 125 करोड़ देशवासियों का नमन करता हूं। आज हिंदुस्तान के गांवों में नारी गौरव का अभियान उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin and Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalitha dedicated the first 1000 megawatt unit of Kodanakulam nuclear power project to the service of the nation to mark another historic tie-up between India and Russia, strategic partners since the Cold War era. Speaking at the event, Modi said, in dedicating KNPP, India marks another historic tie between India and Russia. Today is indeed a special day. Today, Excellency Putin and I have the honor to dedicate Kodanakulam Nuclear Power Plant Unit 1. I am particularly grateful to President Putin for his presence at this event. Spasiba, Javashe, Pishtuviche. And I am delighted that Jayalalitha ji, the Chief Minister of Tamil Nadu, is also present with us on this occasion. Friends, in dedicating Kodanakulam 1, we mark another historic step in India-Russia relations. Its successful completion is not just another fine example of the strength of our special and privileged strategic partnership. It is also a celebration of our abiding friendship, and it is only a start of our collaboration in this field. It is perhaps not commonly known that at 1000 megawatt, Kodanakulam 1 is the largest single unit of electrical power in India. In years ahead, we are determined to pursue an ambitious agenda of nuclear power generation. At Kodanakulam alone, 5 more units of 1000 megawatt each are planned. In our journey of cooperation, we plan to build a series of bigger nuclear power plants. Friends, today's event is also a joyful occasion for the team of Indian and Russian engineers, scientists and technicians. We salute their dedication and hard work and congratulate them for the fruits of their labor. The story of human development has been of a widespread technological advancement and growing economic prosperity. But as we all know, it has not been without burden on our environment. I have a vision for India, where achievements of our economic development are respectful to Mother Earth, and where the engines of our industrial growth are increasingly driven by clean energy. Time for a short break. We'll be back. Stay tuned. Welcome back. You're watching Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi flagged off the Tiranga Yatra to mark the launch of the 70th Freedom Year celebrations in Babra village of Madhya Pradesh on August 9th. Speaking at the occasion, Modi expressed his pain over the situation in Kashmir Valley and said that Kashmiri children should be holding school books, laptops and cricket bats and not stones. Unko padhne likhne ka bhi saubhagya mila ho ya na mila ho, lekin azadi ka matlab kya hota hai, isko unko puri puri tarah pata tha aur usko paane ke liye wo khud sab kuch luta dene ke liye tayar the. Ye mera saubhagya hai कि आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर आजाद मंदिर में आकर के
सर झुकाने का मुझे अवसर मिला, नमन करने का अवसर मिला। और जब ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हैं तो हमें भी देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, हम में से बहुत लोग हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। भारत की अधिकतम जनसंख्या जिन्होंने गुलामी देखी नहीं है, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जो लोग आजादी के लड़ते थे उन्हें तो देश के लिए मरने का मौका मिला, देश के लिए बलि चढ़ने का मौका मिला, देश के लिए अपने परिवार को लुटाने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य जिन्हें मिला वे अमर हो गए, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला है। और हमारी कसौटी ये नहीं है कि देश के लिए हम बलि चढ़ जाएं तब महान है। आज बलि चढ़ने का सौभाग्य संभव नहीं है, आज तो देश के लिए जीने का सौभाग्य हमें मिला है, देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। गांव हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके जीवन में बदलाव लाना, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना। आजादी के 70 साल के बाद क्या यह हमारा दायित्व नहीं बनता है कि कम से कम हमारे देश के हर गांव में बिजली पहुंचे? भाइयों बहनों, 70 साल ये कम समय नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हजारों गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा है। उस गांव के लोग 18वीं शताब्दी में जो जिंदगी गुजारते थे, 21वीं सदी में भी उन्हें वैसी ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। द लॉन्ग डिलेड जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन बिल वॉज पास बाय पार्लियामेंट, मार्किंग ए हिस्टोरिक स्टेप फॉर टैक्स रिफॉर्म्स। Modi said GST was crucial for ending tax terrorism besides reducing corruption and black money. The GST will make consumer the king, PM Modi added. ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। ये सभी राजनीतिक दलों का विजय है। ये पहले की और वर्तमान सभी सरकारों के योगदान से है और इसलिए कौन जीता कौन हारा इसके लिए मैं नहीं मानता हूं कोई विवाद की आवश्यकता है। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। और इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हम सबका सपना है। और एक भारत, जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं एक भारत की अनुभूति आती है, जब हमारे डाकखाने देखते हैं एक भारत की अनुभूति आती है,
जब हमारे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं, एक भारत की हमें महक आती है। हम आईपीसी सीआरपीसी की तरफ नजर करते हैं तो एक भारत की हमें पहचान मिलती है। जब आज हम भारत नेट की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सागर माला की बात करते हैं, ये सारे उपक्रम एक भारत इस भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं। और उसी सिलसिले में आज जीएसटी वो एक नया मोती इस माला में हम परो रहे हैं, जो एक भारत के भाव को ताकत देता है। ये सिर्फ कर व्यवस्था नहीं है, सब राज्य और केंद्र मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें छोटा सा छोटा राज्य हो या बड़ा सा बड़ा राज्य हो, सबको ये व्यवस्था अपनी लगे। ये एक भारत को ताकत देने वाली बात है और उस अर्थ में मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूं। लेट्स टेक अनदर ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू आर विद मी ऑन प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग। Coming down heavily on the perpetrators of violence on Dalits, Prime Minister Narendra Modi said, "If you want to attack, attack me, not the Dalits. If you want to shoot, shoot me." The Prime Minister was addressing a party in Hyderabad, where he slammed the recent attacks on the Dalit community and condemned the politics over the Dalit issue. कि हम हमारे दलित भाइयों को प्रताड़ित करें, क्या हक दिलाए हमको? क्या देश में समाज के इन वर्गों को जो सदियों से जेलते आए हैं, क्या अब भी उनको जेलने के लिए मजबूर किया जाएगा? लेकिन भाइयों बहनों, समाज की एकता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, स्पृश्य स्पृश्य के आधार पर समाज को बांटने नहीं दिया जाएगा और नहीं बांटने दिया जाना चाहिए। कोई शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। अरे हम वो लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार की बातें करते हैं और अपने ही दलित भाई को अपना नहीं बना सकते, हम ही तो वो लोग हैं जो आत्मवत् सर्वभूतेषु उसके बड़े बड़े ज्ञान परोसते रहते हैं, लेकिन हम ही अपनों को उस आत्मा का अंश मानने को तैयार नहीं है, तो देश और दुनिया हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं जानता हूं यह समस्या सामाजिक है, समाज के अंदर आई हुई बुराइयों का परिणाम है और सदियों से ये हमारे जहन में घुस गया है। हमें एक्स्ट्रा केयर लेकर के, अधिक परिश्रम करके, अधिक जागरूक रह करके समाज को इस संकटों से बचाना होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो समाज की एकता, देश की एकता के लिए निकले हुए लोग हैं, हम लोगों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को बेनकाब करना होगा। यह सामाजिक समस्या है, उसका जितना ज्यादा राजनीतिकरण होगा यह समस्या और बिगड़ती जाएगी। जो लोग इस सामाजिक समस्या का समाधान चाहते हैं, उनसे मेरी करवृद्ध प्रार्थना है कि समाज में बिखराव पैदा करने वाली राजनीति का रास्ता छोड़ दे, समाज को तोड़ने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होगा। मैं जानता हूं इन दिनों इन विषयों पर हमारे खिलाफ ये ज्यादा तूफान क्यों खड़ा किया जाता है,
क्योंकि जो लोग मानते थे कि दलितों के वोट के वो ठेकेदार हैं, दलित समाज उनके कब्जे में है, पिछले 2 साल के हमारे कार्यकाल ने एक के बाद एक हमने जो कदम उठाए उससे उनको लगा कि दलित समाज के पास भारतीय जनता पार्टी की सच्ची बातें अगर पहुंचेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जो काम कर रही है, ये बातें अगर दलितों को गले उतर गई तो फिर आने वाले 50 साल तक इस पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा और हमारी ये तोड़ने वाली राजनीति बंद हो जाएगी। जब हमने बाबा साहब अंबेडकर के 125 साल मनाने का तय किया, पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 2 दिवस बाबा साहब अंबेडकर के 125 साल निमित्त चर्चा की, जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे थे 125 साल निमित्त पहली बार यूनाइटेड नेशन में बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई, पहली बार दुनिया के 102 देशों में बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई, ये लोग बौखला गए। 70 साल तक उनको तो नहीं सूझा कि भारत के इस महापुरुष को विश्व मानव को विश्व के सामने रखना चाहिए। With that we conclude this edition of Prime Minister Speaking. This is Nandakumar signing off. See you next week and thank you for watching.